नमस्कार दोस्तों, आज हमारे गैराज में है हीरो की मोस्ट पॉपुलर बाइक सुपर स्प्लेंडर 125 और इसमें करंट का प्रॉब्लम है। चलिए आप लोगों को करंट चेक करा दें, स्टार्ट नहीं हो रही है। चलिए इसके करंट चेक करा दें आप लोगों को। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे करंट नहीं आ रहा, हॉर्न वगैरह सब कुछ वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमने दो रिले भी लगा के देख लिया है, सेल्फ रिले। देखिए यहाँ पे चूहों ने तार भी काट चुका है। देखिए फिर भी हमारी जो तार है वापस से जुड़ी हुई है। देखिए एयर फिल्टर का जो पाइप रहता है किस तरह से चूहों ने इसको काट दिया है। तो चलिए दोस्तों इसकी सीट टंकी वगैरह ओपन कर लेते हैं, ओपन करके देखते हैं कहीं से और चूहों ने वायरिंग तो नहीं काटा है। हमारी यहाँ पे हाई टेंशन पे दोनों वायर लगी हुई हैं। और चलिए इसकी सीडीआई वगैरह चेक कर लेते हैं एक बार से, सभी तारों को चेक करते हैं कि चूहों ने कहीं हमारी तार तो नहीं काट दिया है। और तो यहाँ पे हमारी सभी वायरिंग वगैरह लगी हुई हैं और चूहों ने यहाँ पे नहीं काटा है। चलिए एक बार से सीडीआई को चेक करते हैं। तो सीडीआई को हम निकाल लेते हैं, तो चलिए निकालते हैं और तो देखते हैं चूहों ने कहीं पर वायरिंग वगैरह और तो नहीं काटा है। देखिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पे कैसे चूहों ने हमारी वायरिंग को काटा है। मुझे लगता है शायद तक यहीं से हमारा जो करंट का प्रॉब्लम है यहीं से होगा। चलिए इस तार को वापस जोड़ लेते हैं और रिपेयर करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी दोनों वायरिंग जो कटी हुई थी उनको जोड़ लिया है। और चलिए एक बार से करंट को चेक करते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं, करंट चेक कर लें। तो चलिए दोस्तों अपने एयर फिल्टर को ओपन कर लिया हमने। देखिए चूहों ने किस तरह से यहाँ पे आतंक मचा के रखा है पूरे गाड़ी में, किस तरह से हमारा जो एयर फिल्टर का पाइप वगैरह है सब कुछ काटा है, यहाँ पे अपना घर बसा लिया था। चलिए इसको साफ़ करके वापस से फिट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो करंट का प्रॉब्लम है, आपकी गाड़ी अगर 2-4-10 दिन घर पे खड़ी रह जाती है तो आप ज़रूर से चेक करें कि चूहों ने इसकी वायरिंग तो नहीं काट दिया है। चूहों की वायरिंग काटने की वजह से ही प्रॉब्लम आती है करंट का, अधिकतर मैंने देखा है। तो इस तरह से हमारा जो करंट का प्रॉब्लम था वो करंट हमारा जो बराबर से आने लगा है और गाड़ी स्टार्ट भी हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीट टंकी ओपन करके अपनी वायरिंग को ज़रूर से चेक करें और चूहों को जो आतंक मचा के रखा है उसको सही करें। इस तरह से हमारी सुपर स्प्लेंडर स्टार्ट हो चुकी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, और जो हमारा प्रॉब्लम था वो सही हो चुका है और हमारे रिले वगैरह भी जो दोनों सही हैं और हमारे जो यहाँ पर इसको भी जोड़ लेते हैं और जोड़ के गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।